एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप फिजिक्स। मेरा नाम है कपिल गोयल और आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, साइक्लोट्रॉन का मतलब क्या होता है, साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी जो रेजोनेंस की कंडीशन है वो क्या होती है, उसके बाद इसकी लिमिटेशंस क्या होती है, तो ये कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। साइक्लोट्रॉन एक तरह का एक्सीलरेटर है और एक्सीलरेटर में पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक वॉन डी ग्राफ जनरेटर को और एक लीनियर एक्सीलरेटर को, तो जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर वो लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं उन लिंक को फॉलो कर वो लेक्चर्स देख सकते हैं। साइक्लोट्रॉन का उन दोनों एक्सीलरेटर से कोई लेना देना नहीं है, तो जिन लोगों ने अगर वो लेक्चर नहीं भी देखे हैं तो पहले वो ये लेक्चर आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बाद उस लेक्चर की तरफ वो जा सकते हैं, उन लेक्चर्स की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइक्लोट्रॉन क्या होता है। तो सबसे पहले जैसा कि वर्ड लिखा हुआ है साइक्लोट्रॉन, तो अगर मैं इस वर्ड को तोड़ दूं दो पार्ट के अंदर, तो दो पार्ट के अंदर तोड़ूं तो मेरे को मिल रहा है साइकिल और प्लस ट्रॉन। तो यानी कि कोई चीज़ साइकिल में घूमने वाली है, कोई चीज़ लगातार किस में चलने वाली है, एक साइकिल के अंदर चलने वाली है। कौन चलने वाला है, कोई पार्टिकल होगा, ठीक है, कौन चलने वाला है, कोई पार्टिकल होगा। वो पार्टिकल क्या होगा अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो कोई एक पार्टिकल है जिसको बार बार किस में घुमाया जाएगा, साइकिल के अंदर घुमाया जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, साइक्लोट्रॉन पड़ा। अब ट्रॉन से मेरे को समझ में आता है कि वो पार्टिकल कुछ का जो नाम है कुछ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जैसा होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं कि जो साइक्लोट्रॉन है उसका जो यूज़ किया जाता है वो केवल हैवी पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइक्लोट्रॉन का यूज केवल हैवी पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका यूज़ हैवी पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉन या छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उनके लिए साइक्लोट्रॉन का यूज़ नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता वो हम पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशंस में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स या उसके जैसे छोटे पार्टिकल या उसके जैसे स्मॉल पार्टिकल्स के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज़ नहीं होता। अभी सिर्फ इतना ही, बाद में क्यों नहीं होता इसकी बात मैं करूँगा जब हम इसका पढ़ेंगे क्या लिमिटेशंस को। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है। इसके प्रिंसिपल में बात करें, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, तो अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, ये स्पेलिंग PALI है ना, तो सिद्धांत की अगर बात करें तो एक बार डायग्राम को वापस से देखें, तो इस डायग्राम में दो तीन चीज़ें जो मेनली दिखाई दे रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड और जो ये दो डी लिखे हुए मैंने डीज, जिनको डीज लिखा है, इनके बीच में है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करेंगे क्या हम, हमें क्या करना है, सबसे पहले जो पार्टिकल होगा हमारा, चाहे वो अल्फा पार्टिकल हो चाहे वो प्रोटॉन हो, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम उसको एक्सेलरेट करेंगे, है ना। हम जानते हैं कि जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे तो उसके अंदर वेलोसिटी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर क्या लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो एक्सेलरेट होगा। और जब एक्सेलरेट करके उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहुंचा देंगे, तो हमें ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पार्टिकल यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो वो उसको एक सर्किल में घुमा देता है। किस में घुमा देता है, सर्किल में घुमा देता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड वापस से इसको निकाल कर फिर किधर फेंक देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड इसे वापस से क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। फिर ये वापस किस में जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा। फिर से किस में जाएगा, सर्किल में जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे एक बार ये अल्टरनेटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि जो सर्किल है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। फिर लास्ट में ये कहाँ निकल के चला जाएगा, जिस टारगेट पर हमें इसको गिराना है
उस टारगेट की तरफ इसको हम घुमा देंगे, डायरेक्ट कर देंगे और टारगेट पर जाकर ये गिर जाएगा और जो भी इसका यूज हमें लेना है वो ले लिया जाएगा। तो सिद्धांत तो क्या हो गया कि जब जब एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है? एक्सीलरेशन के कारण, तो वेलोसिटी उसकी बढ़ती है। अब वेलोसिटी बढ़ती है उसके बाद जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कहाँ पहुंचता है? मैग्नेटिक फील्ड में। तथा जब यह पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचता है, तो यह एक सर्कुलर पाथ ले लेता है, ठीक है। सर्कुलर पाथ लेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? और बड़ी। इसकी वेलोसिटी और बढ़ती है और यह वापस घूमकर इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, वहां वापस से इसकी वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती है। वेलोसिटी बढ़ती है, फिर से वापस ये मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा। तो इस तरह से इसकी वेलोसिटी, जो सर्किल है उसकी रेडियस बढ़ती जाएगी, सर्किल की रेडियस बढ़ेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक कि ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ को छोड़कर किधर ना चला जाए, जिस टारगेट पर इसको पहुंचाना है। इस प्रकार यह प्रोसेस चलती रहती है जब तक कि पार्टिकल सर्क्युलर पाथ को छोड़कर टारगेट पर ना चला जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका क्या प्रिंसिपल। अब समझेंगे हम इसका क्या कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? कंस्ट्रक्शन की और वर्किंग की। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जिन लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है वो एक बार मेरे को कमेंट करके बताएं कि सर हमें समझ में आ गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो प्लीज़ अपने जो भी क्वेरीज है उसको अभी कमेंट में लिख के भेजें। तो कंस्ट्रक्शन की पहले हम बात कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो देखो, कंस्ट्रक्शन में हमें क्या दिख रहे हैं? यहाँ पर दो डीज हैं जिनको हमने नाम दिया है D1 और D2। ये डीज क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि ये कंडक्टर हैं और ये कंडक्टर होलो कंडक्टर हैं, होलो कंडक्टर है और अंदर से क्या है? खोखले हैं, है ना, अंदर से खोखले हैं। इसका मतलब इनके अंदर जो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? जीरो रहेगा। इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए हमने यूज़ किया है हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर को। ऑसिलेटर का मतलब क्या होता है? जिसकी जो पोलरिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो लगातार क्या करेगा? चेंज करेगा। यानी कि प्लस वाली प्लेट को एक बार माइनस करेगा, माइनस वाली को क्या करेगा? प्लस करेगा, ठीक है। और क्या चाहिए? और हमें एक मैग्नेटिक फील्ड लगाना है जो कि क्या रहेगा? इस इंडीज के या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है? साइक्लोट्रॉन में दो डीज
होते हैं ये डीज क्या होते हैं, जो कि बेसिकली, जो कि बेसिकली होलो कंडक्टर होते हैं, होलो कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनकी शेप, क्योंकि इनकी शेप डी के जैसी होती है, डी के जैसे होती है इसलिए हम इन्हें डीज नाम देते हैं, डीज नाम देते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई डीज की। अब इन डीज के बीच में हमें क्या जनरेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन डीज के मध्य, इन डीज के मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए, करने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर लगाया जाता है। अब ऑसिलेटर के नाम से ही पता है कि यहाँ से जो वेव चलेगी वो क्या करेगी, वो साइन वेव की तरह होगी, वो वेव इस तरह से चलेगी, यूँ यूँ, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी अगर ये प्लस है ये माइनस है, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये क्या होगी, चेंज होगी। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये क्या होगी, चेंज होगी, यानी कि ये माइनस तो ये क्या होगा, प्लस। इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, जो कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, जनरेट करेगा। फिर हमें क्या चाहिए, हमें एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड के, फील्ड के या इलेक्ट्रिक फील्ड के, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, फिर एक डी पे थोड़ा सा कट लगा के एक हमें पाथ निकालना होगा जो कि कहाँ जा रहा होगा, टारगेट की तरफ। ठीक है, जो कहाँ जा रहा होगा, टारगेट की तरफ, जो इलेक्ट्रॉन, जो कि चार्ज पार्टिकल को कहाँ पर पहुँचाएगा, टारगेट पर पहुँचाएगा। चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए जो सोर्स रखा जाएगा वो डीज के बीच में रखा जाएगा, चार्ज को प्रोड्यूस करने वाला सोर्स, करने वाला सोर्स डीज के बीच रखा जाएगा, बीच रखा जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, कंस्ट्रक्शन की। तो होपफुली ये जो कंस्ट्रक्शन है यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आ गया है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके एक बार बता दें कि सर हमें यहाँ तक समझ में आ गया है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि यार आप लोग ये वीडियोस लगातार देखते हैं पर आप देखकर निकल जाते हैं, ना आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना चैनल को शेयर करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। तो यार ऐसा मत करो, अगर आप देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे भी थोड़ा एनर्जी मिलती है कि हाँ यार मुझे बनाने चाहिए बच्चों के लिए वीडियो, नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि यार क्यों कर रहे हैं, मतलब आप लोगों का कोई रिस्पांस नहीं आता ना प्रॉपर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो वर्किंग की अगर बात करें, वर्किंग मतलब कार्य प्रणाली, तो वर्किंग की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने कहा इसमें डीज है ना, तो ये डी बनाए मैंने, मान लो ये डी है एक डी वन और ये है एक डी टू, ये है डी वन और ये है डी टू, और इसको जोड़ दिया ऑसिलेटर से, ये ऑसिलेटर हो गया। अगर हम बात करें पॉजिटिव हाफ साइकिल की, तो ये ऑसिलेटर है और ये इसकी पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव हाफ। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में मान लेते हैं ये प्लस है और ये माइनस है, और जो सोर्स है वो यहाँ रखा हुआ है ना, ये सोर्स है, और लेट सपोज कि इससे प्रोटॉन ही निकल गया, तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, प्लस क्यू है ना, और ये इलेक्ट्रिक, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है जो किधर की तरफ है, अंदर की तरफ है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो किधर की तरफ है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे है। तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये किधर की तरफ चलेगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलेगा, यानी कि इधर की तरफ चलेगा, इधर की तरफ चलेगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी, मान लो इसकी वेलोसिटी है वी,
इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। अब ये कहाँ जाएगा, इस डी में जाएगा। ये जो डी है ये क्या है, होलो है ना। डीज जो है वो होलो है, होलो कंडक्टर है, तो इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, डीज के अंदर, डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। जीरो होगा क्यों, क्योंकि ये क्या है, होलो कंडक्टर है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, तो अब इसको क्या मिलेगा, केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड इसको किधर घुमाएगा, सेमी सर्कल में घुमाएगा। तो मान लो ये ऐसे गया, तो इसको यहाँ पे ऐसे घुमा दिया इसने, पहले ऐसे किस में घुमा दिया, सेमी सर्कल में घुमा दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल को, इस चार्ज पार्टिकल को, पार्टिकल को सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में घुमाएगा, घुमा देगा। ठीक है, सेमी सर्कल में घुमा दिया। अब जैसे ही सेमी सर्कल ये पूरा करेगा तो क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। अब ये बाहर जब आएगा, तो बाहर आएगा तो वापस किस में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा। और हमने टाइम ऐसा सेट किया हुआ है कि जब ये खत्म कर रहा होगा इस सर्कल को, तो अब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल पूरी हो जाएगी तो अब कौन सी साइकिल चालू होगी, नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल चालू हो गई तो ये पोलरिटी क्या होगी, चेंज होगी। चेंज होगी यानी कि जो पहले माइनस था वो अब क्या बन जाएगा, प्लस, और जो प्लस था वो क्या बन जाएगा, माइनस। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है किधर की तरफ जाएगा, वापस से इस डी वन की तरफ जाएगा, है ना, यू, क्योंकि ये प्लस हो गया। तो ये डी वन से, डी टू से किधर जाएगा, डी वन की तरफ। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फिर बढ़ेगी वेलोसिटी, फिर बढ़ेगी। मान लो इसकी वेलोसिटी हो गई है वी टू, तो वेलोसिटी फिर बढ़ गई। अब ये फिर वापस से कहाँ पहुँच गया, ये डी के अंदर पहुँच गया, जो कि क्या है, होलो है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो। तो वापस से अब मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगा, सेमी सर्कल में घुमाएगा। तो अब फिर से इसको सेमी सर्कल में घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। अब क्या होगा, अब वापस ये सेमी सर्कल कंप्लीट हो गया। अब नेगेटिव हाफ साइकिल फिर से कंप्लीट हो गई। अब फिर से किस में आ गया, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में आ गया। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आ गया तो फिर से ये क्या बन गई, प्लस, और फिर से ये क्या बन गई, माइनस। फिर से इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई यानी कि अब ये हो गया वी थ्री। फिर से ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो गया, फिर से ये सर्किल में घूम गया। तो आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में कि लगातार जो सर्किल है उसकी रेडियस क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से लगातार अल्टरनेटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये चलेगा, जिससे कि इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहेगी, सर्किल की रेडियस बढ़ती रहेगी। और ये कहानी तब तक चलेगी जब तक कि ये वो वेलोसिटी अचीव नहीं कर लेता जिस पर कि इसको टारगेट पर गिराना है। टारगेट पर गिराने के लिए यहाँ से इसको एक अलग से पाथ दे देते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन पाथ, ये प्रोटॉन या जो भी चार्ज पार्टिकल होगा अपना पाथ छोड़कर सीधा कहाँ पर जाके गिरेगा, टारगेट पर जाके गिरेगा। टारगेट पर जो भी हमें काम करवाना है, इससे न्यूक्लियर रिएक्शन चालू करवाना है या जो भी चीज़ें करवानी है, वो यहाँ पर चालू हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगी, इसकी वर्किंग होगी। ठीक है, तो होपफुली जो वर्किंग है आप लोगों को पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके पीछे की जो गणित है वो समझते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर हम बात करें, तो मैथमेटिकली जो इसको एक सर्किल में घुमाएगा, चार्ज पार्टिकल को जो सर्किल में घुमाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, वो कौन घुमाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में सर्किल में घुमाने के लिए मैग्नेटिक फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा। और मैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी Fm इक्वल्स टू कितना होगा, QvB, जहाँ Q क्या होगा चार्ज, V क्या होगी वेलोसिटी, और B क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। इसको लिख दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें पता है कोई भी चीज़ यदि सर्किल में घूम रही है, तो सर्किल में अगर घूमेगी तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन में किसके बराबर होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के। तो क्योंकि चार्ज पार्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है, इसलिए इस पर एक सेंट्रीपिटल मतलब अपकेंद्रीय
सेंट्रिपिटल फोर्स काम करेगा, काम करेगा। सेंट्रिपिटल मतलब अपकेंद्री होता है ना, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड में होगी एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर क्या होगी, सर्किल की रेडियस। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, ठीक है, इक्विलिब्रियम में, या ऐसा कह लो कि सर्किल में घूमने के लिए दोनों फोर्स क्या होने चाहिए बराबर, तो क्यू वी वी अपॉन क्यू वी वी इक्वल्स टू क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से देखो क्या क्या कट रहा है, यहां से एक तो वी कट गया, ये वी कट गया, तो यहां से हमें देखने को मिला जो आर है, ये जो आर है, आर ये किसके बराबर होगा, एम वी अपॉन क्यू बी के, ठीक है। ये जो आर है ये किसके बराबर होगा, एम वी अपॉन क्यू बी के, या फिर अगर मैं ये वी से भी कट गया ना, या फिर मैं वी की अगर बात करूं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी, क्यू बी आर अपॉन एम के। वेलोसिटी किसके बराबर होगी, क्यू बी आर अपॉन एम के। तो ये बराबर होगी क्या, वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद यहां से वेलोसिटी आ गई हमारे पास और एक रेडियस आ गई। तो यहां इस रेडियस और वेलोसिटी के रिलेशन से एक चीज हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिल रही है कि जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, या ऐसा कह लो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगी, रेडियस भी बढ़ेगी। तो इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट और इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन सेकेंड। अब हमें मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जब सर्किल अपनी मैक्सिमम, जो अब सर्किल अपनी रेडियस को पकड़ लेगा, सर्किल की रेडियस कितनी होगी, कैपिटल आर, तो क्यू बी इंटू आर अपॉन एम, यानी कि जब आर जो डिस्टेंस है वो सर्किल की रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो उस टाइम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई तो उस टाइम हम अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर के। तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, क्यू बी आर अपॉन एम। तो ये वैल्यू को अगर यहाँ रख दो तो क्यू बी आर अपॉन एम स्क्वायर में, तो क्या सॉल्यूशन बनेगा, के ई मैक्स इक्वल्स टू हो गया हाफ एम, ये हो गया क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो यहाँ से एम से एम कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा क्या, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू एम। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की। अब यदि हमें निकालना है टाइम पीरियड, है ना, तो हाफ सेमी सर्किल जो है वो दो हैं, तो अगर मैं टाइम पीरियड निकालना चाहूँ तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो टाइम जो है वो बराबर होता है किसके, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो सेमी सर्किल के लिए, फॉर सेमी सर्कल, सेमी सर्किल के लिए जो टाइम है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसकी सर्कमफेरेंस के बराबर, जो कि हो गया पाई आर और अपॉन वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी है, क्यू बी आर अपॉन एम। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पर रख दें तो पाई आर, ये कितना, क्यू बी आर अपॉन एम, तो आर से आर कैंसिल, यहाँ से टाइम जो है वो कितना आ गया, पाई एम अपॉन क्यू बी, ये आया है एक सेमी सर्किल के लिए। अब जो हमारे पास कुल टाइम पीरियड होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा इस पूरी साइकिल के। तो यहाँ ये हाफ साइकिल है, हाफ साइकिल के अंदर टाइम पीरियड टी बाई टू, यानी कि ये बराबर है टी के सेमी सर्किल के लिए। तो यहाँ से टी जो है वो किसके बराबर है, कैपिटल टी बाई टू के, और हमने टी की वैल्यू निकाल ली ये, तो यहाँ से इस वैल्यू को अगर रख दें तो पाई एम अपॉन क्यू बी बराबर टी अपॉन टू, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई, टू पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा पूरे सर्किल के लिए, और इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, यदि यहाँ से मैं सर्किल के लिए पूरी उसकी सर्कमफेरेंस लिख देता 2 पाई आर अपॉन बी, तो डायरेक्ट भी हमारा यही आंसर आता। तो आप इसको चाहे ऐसे लिख लें चाहे यहाँ से डायरेक्ट लिख लें, सेम बात है। उसके बाद बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की, तो लिमिटेशंस क्या होगी, सबसे पहले लिमिटेशंस तो इसकी ये होगी कि ये जो है साइक्लोट्रॉन, ये छोटे पार्टिकल्स यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना, इसके लिए काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास क्या होता है, बहुत कम होता है, और उसका मास बहुत कम होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत जल्दी चेंज होगी। वेलोसिटी जल्दी चेंज होगी तो उसके कारण उसका मास भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशंस क्या हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास
बहुत कम होता है, कम होता है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन के लिए यूज नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा करेंगे तो उसका जो मास है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मास वाला जो रिलेशन है वो होता है एम नॉट अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो वेलोसिटी जल्दी चेंज होगी, तो ये पूरा एक्सप्रेशन चेंज होगा, तो उससे मास भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली ये जो लेक्चर है आप लोगों को समझ में आया होगा। इन केस कोई डाउट है तो अपने डाउट्स को आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। अगर आप इस लेक्चर को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।